नहीं, बुला देते हैं, तुमसे मिलवा देते हैं। तो बलि को लगा कि ऐसा भी हो सकता है। बोले हाँ हाँ ऐसा हो सकता है बिल्कुल। तो बलि बोला उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझको? कुछ नहीं करना है, केवल अभी हम यहां बैठेंगे, एक मंत्र पढ़ेंगे और वो यहां आ जाएंगे एक मिनट। बलि को लगा क्या ये इतना आसान है? बोले हाँ हाँ ये बहुत बड़ा सहज है। तो बोले ठीक है फिर करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप जो है हम ये मंत्र सिद्ध तभी होगा जब मैं अपनी धरती पर बैठ के करूं, तो मेरे आसन लगाने भर की धरती मुझे दे दो। बलि बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये सब भूमि आपकी, आप आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, दे दी। बोले ऐसे नहीं, संकल्प करके, कुछ दानदाता ऐसे होते हैं फोन पे कह देते हैं हाँ जी मैं इतना करूंगा, कोई बात नहीं, फिर गायब। एक भंडारा होगा हमारा और फिर भंडारा गायब। ऐसे ही भगवान को लगा कि बलि कहीं वैसा वाला तो नहीं है दानदाता। तो उन्होंने कहा पहले संकल्प कर ले, फिर बाद में तीन पग धरती दी नहीं दी, आसन लगाया, मंत्र सिद्ध भी नहीं होगा, पता नहीं तू मन में क्या सोच रहा है। बलि बोला ठीक बात है आप कर लो। भगवान ने कमंडलू से जल निकाला और संकल्प करवाया। अच्छा एक बात और, एक बड़ी भारी समस्या है सबके साथ कि कभी जब आपका कोई पुण्य करने का मन करेगा, जैसे आपका मन किया कि कुंभ भ्रमण करने जाना है, बड़ी अड़चन आएगी। पहले तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, चाहे ट्रेन खाली चल रही नहीं मिलेगा, फिर बारिश हो जाएगी और फिर घर वालों को चिंता हो जाएगी, मत जाओ देखो बहुत ठंड होगी, परेशान हो जाओ। ऐसे ही जब कोई भी पुण्य करने का मन करेगा, जैसे आपको लगेगा भागवत जी करवाएं, अरे बच्चों की तो छुट्टी नहीं है महाराज, और फिर देखो ये पार्किंग की जगह यहां नहीं हो पाएगी, गाड़ी कहां खड़ी होंगी, हमारे पास जगह नहीं है पार्किंग की, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के व्यवधान आएंगे। कराना चाहते हैं लेकिन मनुष्य है, सुविधा सोचता है, तो उसमें ऐसे व्यवधान आ रहे हैं। तो जब भी दान करने का मन करे, जब भी कोई श्रेष्ठ कार्य करने का मन करे, तो भैया उसमें डिले न करें, क्योंकि डिले होने के बाद फिर वो रिटर्न होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान के पास भी इतना समय कहां है कि आपके लिए वेटिंग लाइट में खड़ा रहे, बहुत है उसके यहां हाथ पसारे खड़े, वो आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे ही मन करे कि चलो ये कार्य कर दें, दक्षिणा दे दें, इनको ब्राह्मणों का ये पाठ करा दें, इसमें कुंभ में ये दान कर दें, कोई मंदिर में दे दें, कहूं गौशाला में दे दें, तुरंत आने के साथ करिए, भगवान उससे लाखों गुना ज्यादा देता है। मेरे कहने से मत मानो, अपने माता पिता से पूछो, पूर्वजों से पूछो, पड़ोसी पड़ोसियों से पूछो, ये कोई गुण बात नहीं बता रहा हूं, ये सबको पता है, ये सबको पता है पहले से। तो जैसे ही बलि करने लगा और उसने संकल्प किया, तो वहीं भगवान ने आप जान के अपनी बुद्धि से कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि मैं इससे ले भी लूं इसका सब कुछ और बाद में ये रोने लगे कि अच्छी कथा कराई, हमारे तो पैसा चले गए, अच्छे गए हम कुंभ में थैला खो गए, कहीं ऐसा भक्त तो नहीं है, ये आ रहा है तो मेरे लिए आ रहा है कि अपने नंबर फंबर बढ़ाने आ रहा है। भगवान ने चेक करने के लिए शुक्राचार्य जी से कहलवाया। शुक्राचार्य बोले बलि से कि देखो इसे तुम साधारण छोटा बालक मत समझ लेना, माया माणवकम हरिम, माया रूपी भगवान है, सब तेरा छीनने वाले हैं, तीन पग तैने संकल्प किया ये सब ले लेंगे, तेरे ऊपर एक अठन्नी नहीं छोड़ेंगे, एक सूत्र भी तेरे ऊपर नहीं छोड़ेंगे। बलि बोला क्या यदि तो ये ईश्वर है मेरे यहां तो ये सब ले जाए, कोई चिंता नहीं, 2-5 लाख भी लगे कोई दिक्कत नहीं, होने दो अच्छा है, और बकाया भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं, होने दो, क्योंकि इसी का तो है,
और मेरे यहां आया है मांगने। अरे हजारों हो सकते थे, कितने लोग तो देने के लिए लालायत बैठे हैं, लेकिन रास्ते नहीं खुल रहे उनके, और कुछ अपनी चतुराई में केवल बतंगड़ में कि हमने ये देखा और वो देखा और वो ऐसे थे और ये ऐसे हैं, वो फलाने थे, ढीमका थे। अरे भाई ये कोई सुंदर और अति सुंदर का कंपटीशन थोड़ा ही है, वो तो एक है गोविंद, जिसे इस लकड़ी के बांस में भी तू देख सकता है और जिसमें इसमें भी देख सकता है, कहीं भी देख सकता है, उसको अति सुंदर नहीं, सहज भाव से प्राप्त करने की बात है। तो वहां पे जैसे ही बलि ने सुना कि ये स्वयं नारायण आए हैं, तो वो तो बिहल हो उठा, अश्रुधारा निकल पड़ी कि ये तो मेरे पूर्वजों का कोई पुण्य उदय हुआ है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि नारायण स्वयं आए। बोले मुझे बहुत खुशी से मंजूर है, ये सारा ले ले और जो बचे जो मुझे नहीं पता है उसे भी ले ले। तीन पग का संकल्प हुआ, भगवान ने विराट स्वरूप धारण कर लिया, हजारों उसके पद बन गए, हजारों सिर बन गए, हजारों हाथ बन गए, एक पग में पूरी धरती को नाप लिया, दूसरे पग में सारे लोगों को नाप लिया, उसका चरण ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने उनका चरण धोवन कमंडलू में रख लिया, जो गंगा बन के प्रवाहित हो गया। बलि ने बलि से कहा, मैं तीसरा कदम कहां रखूं, सारा तो खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, सब मैंने नाप लिया। बलि शांत खड़ा हो गया, भगवान ने जय विजय को आज्ञा दी, बंधक बना लो इसे, ये दिया हुआ संकल्प पूरा नहीं कर रहा है। बलि रोने लगा, अब प्रभु कृपा करो ऐ भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। बोले नाथ आपने अभी गिनती भूल गए, आपने सब नापा, लेकिन मेरे इस बड़े अहंकार को कहां नापा, जो ये सोच के बैठा है कि ये सब मेरा है और ये सब मैं जीत रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मेरे करने से हो रहा है, इस अहंकार को भी तो जीतो, इसके लिए भी तो पूरा एक कदम आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों लोकों से बड़ा है, पूरी सृष्टि से भी बहुत ऊंचा है, इसके लिए पूरा एक कदम आपको चलना पड़ेगा। बलि ने अपना सिर नीचे रख दिया, भगवान ने सिर पर पैर रख दिया, और अब तक बलि रो रहा था, अब भगवान रो रहे। बोले मैं तुझे ठगने आया था, तैने मुझे ठग लिया, मैं तुझे जीतने आया था, तैने मुझे जीत लिया, जा तुझे सब दिया, चौगुना करके दिया, तू स्वर्ग का राजा भी बनेगा, तेरे 100 यज्ञ भी पूरे नहीं हुए, मैंने बोल दिया कि तू स्वर्ग का राजा है, और बोल क्या चाहिए, और तू अभी की अभी वहां का राजा, और क्या चाहिए। बोला कुछ नहीं चाहिए, अब इस सब की कोई मेरे नजर में कोई कीमत नहीं है, प्रभु आप सामने खड़े हैं, कोई राजपाट वैभव कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना कर दीजिए कि आपके दर्शन रोज हो जाएं। तो भगवान जो केवल नजर मात्र से जिसकी आयु हर सकते थे, नजर मात्र से सारा वैभव छीन सकते थे, देखने मात्र से उसकी मति पलट सकते थे, कहने की कहां आवश्यकता थी उनको, लेकिन प्रेम में जब वो बंध जाता है तो झटक उतारत काछनी और मुरली लेत छुड़ाए, मैं बालक जे धींगरी मेरो कहा बस जाए, वो धरती पर नंगा नाचने लग जाता है, वो त्रिलोक का स्वामी जब प्रेम से उसे बांधा जाता है। तो बलि बोला मैं आपका चपरासी हुआ, गेट पे खड़ा रहूंगा, जब भी जाओगे आओगे मेरे दर्शन पाओगे।